लोकसभा चुनावों के लिए आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। पार्टी ने कई सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो अमित शाह गांधीनगर से मैदान में होंगे। और किस किस का नाम बीजेपी की लिस्ट में आया है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो अमित शाह गांधीनगर से चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, गुना से ज्योतिराज सिंधिया को टिकट मिला है, अलवर से भूपेंद्र यादव, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 28 महिलाएं, 50 साल से कम उम्र के 47 लोगों को टिकट मिला है, 27 एससी, 18 एसटी के अलावा 57 ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं, जिसमें उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी मामले में सुर्खियों में आए अजय मिश्र टीनी पर पार्टी ने एक बार फिर दाव लगाया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। कन्नौज में एक बार फिर सुब्रत पाठक पर दाव लगाया गया है। कन्नौज से अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। अयोध्या फैजाबाद लल्लू सिंह को टिकट दिया गया है। फिलहाल बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर सहयोगियों में खलबली मच गई है। खास तौर से मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव वालियान के टिकट के ऐलान ने आरएलडी को नाराज कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यहां से जयंत चौधरी आरएलडी का उम्मीदवार उतारना चाहते थे और इसी मुद्दे पर उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ा था और अब बीजेपी ने भी जयंत को किनारे कर दिया है। ऐसे में आरएलडी में एनडीए छोड़ने पर मंथन शुरू हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।